दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सिंह राशि 2018 के दिसंबर माह के अंदर विशेष परिणाम और विशेष लाभ लेकर आपके लिए आया है, लेकिन आंखों से संबंधित कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। आंखों से संबंधित समस्याएं यदि छोटी मोटी भी होती हैं तो आप उन्हें किसी विशेष चिकित्सक के पास ले जाकर दिखाएं, अन्यथा वह समस्याएं मुझे लगता है कि कुछ बढ़ जाएंगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में यदि आप विद्यार्थी हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सचेत रहें और सावधान रहें, क्योंकि आप कुछ आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में अंतर करना सीखें। आप अति आत्मविश्वास के कारण कुछ गलत डिसीजन और कुछ गलत परिणाम के शिकार हो सकते हैं। इस समय में आपका जो अति आत्मविश्वास है, उस अति आत्मविश्वास की वजह से आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए। तो विद्यार्थियों को सचेत रहें और विश्वास के साथ में काम करें। बिना विश्वास के कार्य करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, और अति आत्मविश्वास के साथ यदि कार्य करेंगे तो आप अर्श से फर्श पर गिर जाएंगे। तो सावधान रह करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। साथ ही साथ यदि आप विद्यार्थी नहीं होने के साथ साथ आप गृहिणी हैं, यदि आप घर की परिवार की स्त्री हैं, तो आपको इस समय में अपने घर परिवार के जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, जो घर में बिजली बल्ब हैं या पंखे, रेफ्रिजरेटर या टीवी, पंखा, इन सब का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस माह के अंदर मुझे लगता है कि कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट या किसी ना किसी बिजली के उपकरणों से संबंधित बड़े नुकसान आपके सामने आ सकते हैं और उनकी वजह से आपका जो बजट है पूरा खराब हो जाएगा। इसके साथ साथ सिंह राशि का स्वास्थ्य से संबंधित या जो भी समस्याएं हैं वह कैसे ना आए, उन समस्याओं से कैसे हम निपटें और क्या ऐसे उपाय करें जिनको करने से हमारी समस्या हल हो जाएगी, उसके लिए एक उपाय बता रहा हूं। उपाय को करिए। सबसे पहली बात कि सिंह राशि वाले दिखावा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इस समय में सबसे पहला जो आपको कार्य करना है वो यही करना है कि दिखावा आप ना करें, लेकिन इत्र का परिवार के अंदर और घर के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करें। यदि आप इत्र नहीं लगा सकते हैं तो घर के मंदिर में इत्र छिड़कना शुरू करिए। कोई भी खुशबूदार चीज़ अपने घर में जलाना शुरू करें, इससे आपके धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपका जो विश्वास है वह बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका हमेशा से बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अति आत्मविश्वास की वजह से नुकसान हो सकते हैं। इसके साथ साथ परिवार में अपनी छोटी, सबसे परिवार की जो सबसे छोटी स्त्री हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा समस्याएं आ सकती हैं, उसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की यदि कोई भी समस्या, कोई भी आपके विचार हैं तो आप हमसे बता सकते हैं, नंबर आपके सामने है। कोई भी समस्या है तो आप हमसे समाधान ले सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं किसी भी समय। 2018 की जनवरी माह में आपको राशिफल के साथ साथ कुछ गुप्त उपाय बताऊंगा, वो उपाय भी अवश्य करिएगा। फिलहाल के लिए एक छोटा सा उपाय सिर्फ इतना ही है, इत्र का इस्तेमाल करें, कोई भी समस्या हो तो पुनः हमसे संपर्क करिए और अगले माह तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।